वेलकम टू रेडनेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी स्कोपी का मतलब है स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना माइक्रोस्कोपी होता है। माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रोस्कोपी में इसकी स्टडी होती है। स्टडी माइक्रो लेवल पर करना माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म को उसकी लार्ज इमेज को शो करवा सकते हैं हम, जिनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सबको, इन सब की स्टडी अपन माइक्रोस्कोप द्वारा कर सकते हैं। और इनका यूज, माइक्रोस्कोपी इनका यूज जैसे कि टिश्यू एनालिसिस करने में, सेलुलर प्रोसेस को देखने में, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई सैंपल है अपने पास, इसको स्लाइड पे पुट किया, स्लाइड पे पुट करके पुट इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किया तो व्यू लार्ज इमेज सैंपल हो। ये जो माइक्रोस्कोपी होता है, ये जो 10% जैसे कि 4 गुना बढ़ा के इमेज को शो करवाता है। इसमें 3 लेंस होते हैं, ओक्यूलर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर लेंस। इन तीनों लेंसों का मतलब ये है कि जो कंडेंसर लेंस होता है, ये लाइट्स को कंडेंस करता है। सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये विजुलेशन में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ये मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाता है ताकि इमेज लार्ज टाइप में शो हो माइक्रोस्कोपी स्लाइड में। थैंक यू। अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी।